अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीए मैथ 113 चैप्टर नंबर 3 बाइनोमियल थ्योरम्स की रैशनलाइज एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो पार्ट नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने इसका पार्ट 2 किया था, अब इसका पार्ट 5 करेंगे। पहला और तीसरा पार्ट शामिल नहीं है और चौथा भी पार्ट शामिल नहीं है जब। और अब पार्ट नंबर 5 जो हमारे पास है, ये स्क्वायर रूट 40 है और इसको नियरेस्ट 100 तक आपने इसको एक्सपेंड करना है। तो फॉर्म में आपका पहला 1 होना चाहिए, दो टुकड़े करने पड़ेंगे। और ये 40 जो है बेसिकली ये 36, 6 6 का 36 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट कटता है इसका, कोई ऐसा टेबल आपको चूज करना है जिसमें सबसे छोटा हो। तो देखिए 2 to the 4 है, नहीं 4 हो तो 2 पे हो सकता है, 9 हो तो 3 पे, और 16 हो तो 525 का है तो 6 है, और उसके बाद अगर आप देखें तो 7 पर 49 होता है तो 40 है ये। तो 49 वाला नहीं, आपने ये 36 वाला ले लेना है। और 36 प्लस 4 किया तो ये आपके पास पूरा 40 हो गया, और फ्रैक्शनली 1/2 भी बना लिया, यानी a प्लस b की पावर n बनानी है हमने। ये हमेशा इसमें 1 होना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर 36 को कॉमन लिया जाएगा तो ये 1 + 4 डिवाइड, इसके नीचे 36 डिवाइड हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि आप जिस तरह से अगर 36 को कॉमन ले रहे हैं तो एक के अगर साथ है दूसरे के साथ नहीं था तो आपको वहां पे डिवाइड करना पड़ेगा, सही है। अच्छा, अब आपने इसके स्क्वायर रूट अलग अलग कर देनी पावर्स जो हैं। तो 36 की पावर हमने अलहदा कर दी, ये 1/2, और 1 + 4 डिवाइड बाय 36 जो है इसकी आपने पावर अलहदा कर देनी है, ठीक है ना। तो इसकी वैसे भी कटिंग पॉसिबल है, इसकी पावर भी 1/2 है, ये 4 1 4 और 4 9 36 कटिंग मजीद हो गई। तो इसमें आप देखेंगे कि ये 6 6 36 हो गया, और ऊपर पावर कितनी है 1/2, और यहाँ पे हमारे पास 1 + 1 डिवाइड बाई 9 बन जाएगी पावर। तो मतलब 1/2 ही है पावर, लेकिन अंदर जो बी की वैल्यू है वो कटिंग करके 4/36 से 1/9 बन गई। इधर हमने बाइनोमियल थ्योरम लगाना है, ये स्केल से कैंसिल हो गया तो बाहर जो 6 रहेगा, यहाँ पर आपने अब थ्योरम लगा देना है, इसमें हो जाएगा ए की पावर फैक्टोरियल मेथड से मैक्सिमम, और बी क्या है 1/9, इसकी पावर हो गई 0, नीचे आ जाएगा 0 का फैक्टोरियल प्लस। फिर आपने यहाँ पर पहले पावर शुरू में लिख लेनी है। अब ए की पावर में आपने 1 कम करना है और बी की पावर में आपने 1 ऐड कर लेना है, और ये 1 का फैक्टोरियल की टर्म भी होगी, इन टर्म तक आपने बस करना है। तो फिर आ जाएगा पावर शुरू में, और आपने इसकी पावर में से 1 कम करके लिखनी है, और ए की पावर में आपने यहाँ पर 2 कम कर देने हैं, और 1/9 जो बी है उसकी वैल्यू में आपने 2 ऐड करके डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल लेके सोन, ये आगे भी सोल्व होता रहेगा, लेकिन हम यहीं पर 3 टर्म तक एक्सपेंड कर लेंगे, काफी रहेगा हमारे लिए। और फिर 6 आ गया, और इसमें सब में देखें 1 की पावर 1/2 हो, कुछ भी हो 1 ही रहेगी, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो 1 होती है, 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। प्लस ये आ जाएगा आपका 1/2, इसका कुछ भी पावर हो 1 है, और ये आपका 1/9 ही रहेगा, और 1 का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। प्लस आपका आ जाएगा 1/2, लेकिन ये वैल्यू आपकी माइनस में 1/2 रहेगी, क्योंकि आप 1/2 - 1 कर रहे हैं, तो बड़ी रकम जो है वो माइनस में, उसमें फुल में से हाफ निकली तो माइनस हाफ बचेगी, और ये आपकी 1 हो गई, और ये आपकी आ जाएगी 1/99 81। और नीचे 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2/1 प्लस सोन करेंगे, ये भी नेक्स्ट ऊपर जाके 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 × 2 ये हो गया 1, और प्लस ये हो जाएगा हमारा 1 / 9 18, और ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, और इन सबको मल्टीप्लाई अगर आप करें तो 2 2 4 है, कटिंग हो जाती है वैसे भी, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे ही रहने दें, या जो भी है मल्टीप्लाई एक को कर लें एक को ना करें, आप 1/2 रहने दें, एक दूसरे में आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर लें। ये 1/2 आपका हो जाएगा 162, और ये वाला जो नीचे 2/1 है ये भी ऊपर जाके 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर ही लेना चाहिए, क्योंकि मैं समझ आता कटिंग होगी, कटिंग नहीं है, इसमें सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि हम एक काम कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले वालों को, फिर आपको बाद में बताता हूँ। ये 4 आ गया ना, 4 आपने 4 1 4 हो गया, और 4 8 32, ठीक है। तो जो 324 आपका जो आ गया ऊपर वाले सारे मल्टीप्लाई करके, और ये 1/2 ऊपर जाके हो जाएगा, और प्लस 1। अब मेरा ख्याल आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट आपका आ जाएगा 6, और इसमें आ गया 1 + 1 / 18, और माइनस ये आपका हो जाएगा मजीद 2 से करेंगे तो 2 4 था आपका 8 हो गया, 2 1 2 2 4 हो गया, और 2 3 6 हो गया, 48 और प्लस हो गया। अब इन सबको आप चाहें तो कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ पर अपना आप कॉन्सेप्ट जो आपका इशू अगर आ रहा है तो वो भी आप देख लें कि अगर हम 81 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं तो ये क्या इतना ही आता है, 324 ही आ रहा है। मजीद आपने इसको 2 2 से भी किया नेक्स्ट स्टेप में,
और फिर उसको फ्रैक्शनली लेके जाना है, तो आप लिखते हैं वन डिवाइड बाय आंसर कर दें, ये बटे में आ जाएगा। इसमें आपने जो है ना इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई भी कर देना है तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। फिर ऐड करें यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हुए वन डिवाइड बाय 18, आपको एलसीएम की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा जो भी वैल्यू आ जाए प्लस वन कर लें इसमें। तो हमारे पास फ्रैक्शनली एसटी का बटन प्रेस करें तो 1.05 आ गई है, 1.052 डेसिमल तक ले रहा हूँ, 6 मल्टीप्लाई बाय 1.05 आ गई, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है आपने, जो भी आंसर आए ऐसे ही रहने दें और 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये अब आपके पास फ्रैक्शनली 6.32 हो जाएगा। ठीक है, 4 जो है ना 4 नहीं लेते, 4 से बड़ा अगर 5 आता है या 5 से बड़ी वैल्यू हो तो पिछले में आपने एक ऐड करना होता है, 4 पे नहीं कोई फर्क पड़ेगा। 6.32 जो आपके पास जो है ना 2 डेसिमल प्लेस या नियरेस्ट 100 तक ये वैल्यू का आंसर बन रहा है। आंसर टैली कर लेते हैं, अब पार्ट 5 जो है वो 6.32 ही है। और इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक जो है वो मतलब आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप किसी किस्म की कन्फ्यूजन कोई भी इशू आता है तो आपने जो है मुझे कमेंट में बताना है, और वीडियो को जो है वो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, और इसके अलावा अपने क्लासमेट्स को भी शेयर कर दें ताकि उनको भी क्वेश्चन समझ आ सके। सारे क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और आपके साथ भी मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।